और लीजिए, वहां पे फील्डर था पर मात्र दर्शक ही रह गया। ये छोटी बाउंड्री है, 61 मीटर की बाउंड्री है, तो बहुत जल्दी पिक कर लिया था जॉनसन चार्ल्स ने। और डीपी वर्ल्ड जितने भी सिक्सेस लगेंगे उसमें वो ग्रास लेवल पे एक किट देंगे वो। इस बार फिर से, इस बार टाइमिंग वैसा बैठा नहीं, पर गैप में चार रन और, एक मन बना लिया ने। जब भी गेंद उस स्लॉट में होगी ये वार करेंगे। काउंटर अटैक काफी प्रभावी ने छोड़ा है। लीजिए उठा के खेला इस बार सीधे बल्ले से डिकवेला ने। और जब आप सीधा खेलते हैं तीखा भी था तो वो मिलते हुए यहां पे वो 6 रन उसका इशारा करते हुए गेंद का इंतजार कर रहे थे। वहां बॉल थी, लेग स्टंप के बाहर शफल किया और अच्छी बात ये कि सिर्फ टाइम करने को देखा, टाइमिंग अच्छी रही, बैट के बिल्कुल बीचों बीच में संपर्क और वो 6 रन मिले। उठा के खेला इनफील्ड को क्लियर किया, गैप में खेला 4 रन अंतिम गेंद पे। एक ओवर जो अच्छा जा रहा था अंतिम गेंद पे 4 रन आते हुए बाउंड्री आती हुई। इस बार फिर लेग साइड पे वो बढ़िया शॉट खेला है और इस बार 4 मिलेंगे क्योंकि संपर्क बल्ले और बैट का पहले से बेहतर था। बल्लेबाजों की स्पेशली, चलिए इरादे स्पष्ट कर दिए उन्होंने, बिल्कुल सीधा शॉट खेला है, घुटना टेका था लेकिन उस शॉट में ताकत थी और जिसके चलते वॉरियर्स ने बोर्ड पे 50 लगा दिए हैं। ओह गैप में खेला है, गैप में खेलेंगे, मिलेंगे 4 रन। अभी बात कर ही रहे थे, बहुत अरसे के बाद ये बाउंड्री आई है, थोड़ी जगह बनाई थी वहां पे। आखिरकार गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। आमतौर पे ट्रेंट बोल जब इस तरह से डाइव लगाते हैं गेंद को रोक लेते हैं, राइट निकल जाता है। अब ये गेंद देखिए कहां निकल गई, आखिरकार एक गेंद आके लगी बल्ले के बीचों बीच। और इसी वजह से मैं जो बात कर रहा था कराना चाहते हैं यार, लेकिन जब रोहित जैसा गेंदबाज एक है आपके पास और उसके 3 ओवर बचे हैं, बोल्ट के 2 ओवर बचे हैं, तो फिर इनको ये ओवर देने की क्या जरूरत है इस वक्त। और ये रन ना कहीं तंग भी कर सकते हैं माय एमिरेट्स को आके, वहीं से मिला। हवा में गेंद है, खिलाड़ी नीचे है लेकिन गेंद उसके पीछे है। 6 रन मिलेंगे, अब एक रन यहाँ वॉरियर्स के लिए बोनस है। शॉट देखिए कैसे क्रीज के घेराए का इस्तेमाल किया, अच्छे स्ट्राइकर हैं, पूरी ताकत झोंक दी, दम भी था और वो डिस्टेंस भी। हम बात कर रहे थे अभी, आहा, कितनी खूबसूरती से इस शॉट को खेला है, कितनी खूबसूरती से। अभी तो अंदर और बाहर का जो भी आपने बात कही थी वो खेल मोहम्मद वसीम दिखा रहे हैं। टप्पा मैदान के अंदर पड़ा था और गेंद को उन्होंने मैदान के बाहर भेज दिया। यही बताने वाली थी कि उनके पास ये स्किल है कि वो दोनों तरफ गेंद घुमा सकते। आज जो बल्ला लेकर आए ना, इसका जो किनारा है ना वो इनको पार करेगा। आहा, ये देखिए शॉट, जरा ये शॉट आपको बताता है कि कितनी काबिलियत है इस बल्लेबाज में। डोनेट हो गई है वो 226वां छक्का मोहम्मद वसीम ने यहां लगाया। डीपी वर्ल्ड ग्रास रूट लेवल पर किट्स डोनेट करता है हर छक्के के साथ एक। कोई राहत नहीं मिलने वाली आज, आज कोई राहत किसी को नहीं मिलने वाली। 37 बिना नुकसान 2 के बाद। चलिए 50 रन बोर्ड पे लग जाएंगे इस बाउंड्री के साथ। आप भागते रहिए पीछे, रेस जो है वो आमतौर पे गेंद ही जीतती है इस मैदान में। 50 बिना नुकसान 3 के बाद। 4 गैप मिल गया है। जितनी तेज डालेंगे उतनी तेज बल्ले से जाएगी। और फिर से उठा के खेला है, आज कोई मौका गवा नहीं रहे यहाँ पे फरेरा। लेंथ को बहुत जल्दी परख लिया, कौन 6 रन मिलते हुए। यह हल्ला ही हल्ला है यहाँ पे, स्वागत है निखिल चोपड़ा का। डीपी वर्ल्ड दावेदारी
पेश करते हुए बिगेस्ट सिक्स के लिए। 81 मीटर वो लंबा छक्का, जी हाँ बहुत जल्दी। और फिर से पुल किया, पुल किया है और 4 रन और मिलेंगे। ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल वन वे ट्रैफिक है, बिल्कुल भी कोई यहाँ पे जवाब है नहीं गेंदबाजों के पास चीज में। फिर से उठा के खेला, फिर से उठा के खेला और नतीजा वही 6 रन और। महंगा ओवर साबित होता है डैनियल सैम्स का। की तरफ वो गेंद आई, एंगल का बतौर बैट्समैन बहुत अच्छी तरीके से वो इस्तेमाल कर रहे हैं। हैरान हूं, पहली गेंद पे छक्का खाया था, उसके बाद वो डॉट बॉल, फिर वो चौका और फिर ये छक्का। इनको रोकना इतना आसान है। और ये देखिए, ये हम बात कर रहे थे गति में मिश्रण किया, पर अगर आप गति देखें गेंद के बल्ले से तो गोले के माफिक। पहली गेंद पे स्वैग से स्वागत किया है कि आइए अगर आप मुझे छोटी गेंद डालेंगे तो बाहर से उठा के लाइए। नाम इनका है पूरण, लेकिन बल्लेबाज हैं ये संपूर्ण। पहली गेंद पे आते संगी अगर कोई बल्लेबाज इस तरह का शॉट खेलने की काबिलियत रखता है तो समझिए कि कितने उच्च दर्जे का वो बल्लेबाज है। रीमा 40वां, ये खड़े रहेंगे तो ये गिनती आगे बढ़ती रहेगी, लेकिन इस शॉट को आप एक बार देखिए और बस बार बार देखिए, ये लुत्फ उठाने वाली शॉट है। ये कह रहे थे ना कि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जब जाकर T20 खेलेंगे तो किस फॉर्म में जाएंगे, पहले मुकाबले जीत लीजिए, इस फॉर्म को तो आप कहीं भी ले जाइए। पर मार्ट, चलिए एक और 6 रन माँ एमरेस के खाते में जोड़ देते हैं। ये शॉट देखिए जरा, ताकत देखिए, ताकत जो लगाई होगी इस शॉट खेलने में, एकदम खासम खास बल्लेबाज है ये। कड़क ये शॉट है, आवाज में ही लिखा था कि रन है इसमें, 16 रन इस ओवर में आया, अब एक रन चाहिए जीतने के लिए। 129 पे और बल्ला तो घुमाया है, गैप पाया है और पाई है साथ में जीत। 8 विकेट से वहां एवरेज से ये मुकाबला जीता है। शारजा वॉरियर्स को फिर एक बार बड़ी हार का सामना करना पड़ा माई एमरेट्स के सामने।